इस क्वेश्चन में गिवन है, ए बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस एच बाई टू ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, द टाइम ऑफ ट्रेवल इन सेकेंड। तो यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स कि एक मतलब एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट वन सेकेंड में वो एच बाई टू ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लास्ट वन सेकेंड में वो एच बाई टू ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में एक सेकेंड लग रहा है। अगर टोटल टाइम सपोज मैंने एक्स मान लिया, मतलब पूरे जर्नी का यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज एक्स टाइम लगा, तो लास्ट एच वन सेकेंड में तो एच बाई टू ट्रेवल किया, तो रिमेनिंग एच बाई टू किस में ट्रेवल किया होगा? रिमेनिंग एच बाई टू डिस्टेंस जो है, एच बाई टू डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा टी इक्वस टू टी वन इक्वस टू एक्स माइनस वन सेकेंड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो एक सेकेंड में कवर किया है और टोटल टाइम एक्स है, तो उसमें से एक सेकेंड माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिमेनिंग टाइम निकल जाएगा जिसमें एच बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान के इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार लगा लेते, और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए एस एन एथ वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या टोटल जर्नी के लिए एच बाई टू लगा ले सकते, वैसे भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए कि टोटल जर्नी के लिए लगा ले। तो पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस के लिए हम लोग लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी हमें नोन नहीं है तो यही इक्वेशन हम यूज करेंगे, एस इक्वस टू यू टी प्लस। तो एस के जगह पर क्या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मारना है तो h बाई टू पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा g इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना जर्नी में टाइम लगा है टी माइनस एक्स माइनस वन सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर वन होगा, है ना, इक्वेशन नंबर वन। और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए जर्नी हम लोग एक फार्मूला और भी पढ़ा था एस एन एथ का फार्मूला यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन वाला, वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या सबसे आसान होगा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल जर्नी के लिए लगा लेते हैं और उसके बाद रिप्लेस कर देंगे, ये इजी होगा हमारे लिए। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एच डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना है तो सारा पॉजिटिव ही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो एच इज इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पर देखें u का वैल्यू जीरो है, हाफ g इंटू टी, टी के जगह पर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, या तो रिप्लेस कर दो इसमें, इसको इसको इसमें से ले जाके पुट कर सकते हैं इसमें, या आप कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने में ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, g बाई टू से g बाई टू कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, इधर बचेगा हाफ इज इक्वस टू इधर ऊपर में क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर इधर आएगा इज इक्वस टू टू इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। अब इसको राइट साइड भेजे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको राइट साइड भेज लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर फोर एक्स हो जाएगा, टू इंटू टू फोर एक्स, और ये हो गया प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर ले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर कोफिशियंट है ना उसको टू से डिवाइड कर से उसके उसका स्क्वायर क्रिएट कर दो, इसको टू से डिवाइड करके उसका स्क्वायर क्रिएट कर दो यहाँ पर, तो इसको टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वन टू ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर या ऐसे लिख लो टू इंटू एक्स प्लस, हमें यहाँ टू का स्क्वायर क्रिएट करना है, यहाँ पर टू का स्क्वायर क्रिएट करना है, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस फोर, टू कर देते हैं
इक्वस टू जीरो। तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वस टू जीरो हो गया। तो x इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वस टू हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वस टू रूट टू हो गया, प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस रूट टू। तो x इज इक्वस टू टू प्लस माइनस रूट टू, है ना। अब यहाँ पर t का दो वैल्यू आया, एक आया टू प्लस रूट टू और एक आ रहा टू माइनस रूट टू, दो आंसर आ रहा। लेकिन ये तो वन से कम हो जाएगा यार, 2 माइनस 1.44 तो ये लगभग हाफ के इक्वल आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लास्ट वन एच बाई टू ट्रेवल कर रहा है हाफ सेकंड में, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आंसर आ सकता है 2 प्लस टू, ए आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर जो है टू रूट टू है।